हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शैलो वाजपेयी। दोस्तों, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ एआरओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे आपको आइडिया हो जाए किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो पहला सवाल है वो क्या कह रहा है कि जो औषधि के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार विजेता का जो लैंड स्टेनियर हैं उनको किसके लिए याद किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा देखिए क्या कहता है, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रेसिस फैक्टर इन ब्लड विच इनेबल्ड ट्रांसफ्यूजन, राइट। तो देखिए, जो कार जी हैं इनको खून के रेसिस फैक्टर के लिए, मतलब इनकी पहचान जो आपके ट्रांसफ्यूजन सक्षम हुआ था, ठीक है, सक्षम हुआ था, और इसके लिए इन्होंने 1930 में नोबल पुरस्कार मिला था, राइट। तो इस पॉइंट को याद में रखना है आपको। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए नया सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आपका AQI है वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, मतलब जो आपका, ठीक है, इसको किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा ऑप्शन बी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मतलब पर्यावरण और वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। यहाँ पे देखिए आपको याद क्या रखना है कि जो 0 से लेकर के 50 जो अंक स्कोर वाली जो आपकी वायु होती है वो आपकी अच्छी मानी जाती है। मतलब यहाँ पे देखिए, इन्होंने 0 से लेकर 500 तक मतलब स्कोर दिया, कार्ड दिया है कि कौन सी अच्छी होगी और कौन सी खराब होगी। तो 0 से 50 वाली कौन सी, वो आपकी अच्छी होती है। जो आपकी 51 से लेकर 100 तक होती है वो संतोषजनक होती है, राइट। और जो 101 से लेकर 200 तक होती है वो कितनी होती है, वो मध्यम प्रदूषित होती है। फिर 201 से लेकर के 300 तक आपकी क्या होती है, ख़राब मानी जाती है। और 300 से लेकर के 400 तक जो होती है वो बहुत ख़राब मानी जाती है। और 401 से लेकर के 500 तक जो होती है बहुत ही गंभीर प्रदूषित वायु होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है वो, तो इसको ध्यान में रखना है, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा ये कह रहा है कि जो मिनी कॉय और अमन दीवी द्वीप समूह द्वीप हैं कौन से द्वीप समूह का हिस्सा हैं। तो ये आपके लक्षद्वीप का हिस्सा है, ठीक है। जो मिनी कॉय और अमन दीपी लक्षद्वीप के दो प्रमुख आपके द्वीप हैं, ठीक है। इन्हें 1956 में लक्षद्वीप के साथ संयुक्त कर एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था, राइट। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, जो भारत बांग्लादेश गंगा जल संधि यानी कि जो गंगा वॉर ट्रीटी हुई थी पर हस्ताक्षरकर्ताओं में कौन कौन शामिल था। तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी हमारा इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि शेख हसीना और HD देवगौड़ा। मतलब यहाँ पे देखिए, इन्होंने इस पे साइन किया था नई दिल्ली में 12 दिसंबर 1966 को हुआ था ये समझौता 30 साल तक अस्तित्व में रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपसी सहमति से वो लोग इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, राइट। आगे देखते हैं, इन विच ईयर डिड साउथ अफ्रीका ज्वाइन ब्राजील रशिया इंडिया एंड चाइना ऑफ फ्रॉम ब्रिक्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए सवाल ये कह रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका ने किस वर्ष में ब्राज़ील रूस भारत और चीन के साथ जुड़ करके ब्रिक्स बनाया था। तो ये हमारा कौन सा करेक्ट है, 2010 में। देखिए पहले इसका नाम क्या था, ब्रिक था। उसके बाद देखिए क्या हुआ, फिर इसमें बाद में क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया था तो फिर इससे क्या हुआ, ब्रिक्स हो गया। अब देखिए आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि इसमें ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आपको याद रखना है बी से क्या हो गया, ब्राज़ील हो गया, आर से रशिया हो गया, आई से इंडिया हो गया, ठीक है, और सी से क्या हो गया, चाइना हो गया, और एस से हमारा क्या हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। तो इसको ध्यान में रखना है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हाट ओपिनियन बिलो इज ट्रू अबाउट माइक पेंस द रिपब्लिकन नॉमिनेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द USA इन द नवंबर 2016 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसका सवाल का मतलब क्या है कि जो नवंबर 2016 में जो आपके राष्ट्रपति चुनाव में जो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका ने उपराष्ट्रपति पद हेतु जो रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक पेंस के बारे में नीचे दिए गए कौन सा विकल्प क्या सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो इसका ऑप्शन सी होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द गवर्नर ऑफ इंडियाना, ठीक है, ये इंडियाना के गवर्नर थे 2016 में जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, ठीक है, उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद पे हेतु जो रिपब्लिकन उम्मीदवार थे माइक पेंस इंडियाना के गवर्नर थे, इन्हीं को बाद में उपराष्ट्रपति चुना गया था। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज एलिमेंट इज अ रेडियो एक्टिव। तो इसमें से देखिए इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट है, ठीक है, एक्टिनियम इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्टिनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, राइट, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 89 होता है, ठीक है। इसको जो आवर सारणी जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें किसमें रखा गया है इसको, सॉरी, हाँ, उसमें इसको किसमें, तीसरे ग्रुप में और जो आपके सातवें आवर्त में रखा गया है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं,
हु प्रेसिडाइज ओवर अ ज्वाइंट सेटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि इसका सवाल का मतलब क्या है, जो संसद में दोनों सदन होते हैं कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, राइट। जो आपके देखिए जो इसको किस आर्टिकल में रखा गया, 108 में रखा गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। दोनों सदनों में संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, जबकि एक संयुक्त, इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, राइट। आगे देखते हैं, अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द सेकेंड हैंड टाइम अ नोवल बाय प्राइज विनर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्वेतलाना, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, पीपुल नरेटिव ऑफ पोस्ट कम्युनिस्ट रशिया। तो देखिए इसमें क्या है कि जो पोस्ट कम्युनिस्ट रूस के लोगों को विचार हैं इसमें, और इस उपन्यास के लिए इनको 2015 में, ठीक है, साहित्य के लिए नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया था, राइट। अब देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखिए हु इज, देखिए यहाँ पे देखिए जॉन मैन्युअल सेंटॉस कौन थे, तो ये हमारे देखिए कौन थे, ये देखिए इनको 2016 में क्या है कि इनको ये राष्ट्रपति हैं, ठीक है, कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं, और इनको 2016 में शांति नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए 18 में किसको किया गया, इराक के नादिया मुराद को किया गया, और उसके बाद देखिए और अफ्रीका के गो डेनिस को किया गया, राइट। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए जो जेम्स जी है वो किस कारण से प्रसिद्ध थे, यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है, मैन बुकर प्राइज फॉर लिटरेचर, राइट। तो यहाँ पे देखिए इनको आपकी, देखिए इनको जेम्स जी को आपकी सात हत्याओं का संक्षिप्त इतिहास 2014 में, उसके लिए इनको पुरस्कार मिला था मैन बुकर का, और उसकी अन्य उपन्यास कौन है, रात महिलाओं की पुस्तक और जान को शैतान, राइट। तो ये इनके उपन्यास भी हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए ग्राम सभा विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज़ अ बॉडी दैट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसका क्या है, सवाल का मतलब क्या है, ग्राम सभा जो कि पंचायती राज प्रणाली की नींव है, किस निकाय में निम्न में से कौन शामिल है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सी है, पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्ट्रोल रोल्स ऑफ अ विलेज कंप्राइज विद इन अ एरिया ऑफ द पंचायत, राइट, पंचायत के क्षेत्र में शामिल गांव की निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि जो आपकी ग्राम सभा एक निकाय होती जिसमें सभी लोग आपके शामिल होते हैं, जिनके नाम पंचायत की निर्वाचन सूची में ग्राम स्तर पर शामिल रहते हैं, और ये आपके कस आर्टिकल में दे रखे हैं, 243 बी में दे रखे हैं, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद देखिए 370 से रिलेटेड आपका आर्टिकल का सवाल है, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट डज द आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद, मतलब यहाँ पे कि जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो आपका 370 वो किन में से संबंधित है, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, स्पेशल स्टेट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंशियल रूल इन स्टेट, राइट, मतलब क्या है, जम्मू और कश्मीर के राज्य की विशेष दर्जा के प्रावधान के साथ। सो यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वैसे 370 भी आर्टिकल हट गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या था ये, यहाँ पे मतलब कि जो जम्मू कश्मीर है उसको मतलब कि विशेष तरीके का प्रावधान मतलब दर्जे प्राप्त थे, राइट। नेक्स्ट सवाल है हमारा व्हाट आर यू बोर्ड्स, यू बोर्ड्स क्या होती, तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर हमारा ए है, दे आर जर्मन मिलिट्री सबमरीन्स यूज्ड बाय ड्यूरिंग द टू वर्ल्ड वॉर्स, राइट। तो देखिए आपका जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रयोग की गई जो कि जर्मन नौसेना की पनडुब्बियाँ थी, ठीक है, इसमें 13 मिलियन, ठीक है, 13 मिलियन से अधिक सकल पंजीकृत टन मापने वाले 5,000 जहाज़ों को डुबोने के लिए मतलब कि यहाँ पे यू बोट्स का उपयोग किया गया था, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपसे कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा, राइट। अब देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, नील दर्पण अ बंगाली प्ले रिटन बाय दीनबंधु मित्रा इन मिड 19th सेंचुरी इज अबाउट, किसके बारे में था वो, तो वो हमारा किसके बारे में था, जो आपका नील विद्रोह था, ठीक है, इंडिगो रिवॉल्ट था, उसके रिलेटेड था। तो देखिए इनको मतलब कि जो 1858 से लेकर के 1859 के बीच में हुआ था, ठीक है, इन्होंने रचित किया था इसको, इसकी रचना करी थी, और ये आपका बंगाल के जो नील विद्रोह है उसके आंदोलन का कारण बना था, और ये आपका देखिए पहला व्यावसायिक नाटक था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, द रेपो रेट और रिजर्व रेट, ठीक है, रिजर्व रेपो रेट मतलब फ्रॉम अ पार्ट ऑफ RBI, तो ये किससे रिलेटेड है आपका, तो देखिए जो आपका ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी है क्या है, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर, मतलब मात्रात्मक उधार नियंत्रण उपाय के तहत, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा हमारा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिम्स्टेक इज करेक्ट, तो बिम्स्टेक से रिलेटेड सवाल है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपका जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इट इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ साउथ, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है, इट इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ साउथ एशियन, ठीक है, और साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, फॉर इंक्रीज्ड
राइट, तो इसको ध्यान में रखना है, यानी कि यूरोपीय, एशियाई और राष्ट्रों के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वाधिक सहयोग हेतु एक समूह होता है, राइट। अब देखिए बिम्स्टेक का मतलब क्या होता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसको याद में रखना है। इसमें देखिए कौन कौन से देश आपके जुड़े हुए हैं, भारत हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, और दो आपके दक्षिण पूर्वी देश कौन से हैं, म्यांमार और थाईलैंड है, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए अपीको जो आपके आंदोलन था, ठीक है, उसके बाद जो चिपको आंदोलन आपकी प्रेरणा प्राप्त हुई थी, तो उसमें कौन से राज्य जो भारतीय राज्य के जंगलों को मतलब चला था, तो ये आपका देखिए ए है, ठीक है, कर्नाटका है। तो 1883 में मतलब कर्नाटका के जो कन्नड़ क्षेत्र में मतलब कि जंगलों को बचाने के लिए फिर शुरू किया गया था, राइट। पहले उत्तराखंड में हुआ था और उसके बाद फिर क्या हुआ था, फिर कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू अबाउट द पूना एक्ट। तो देखिए यहाँ पे पूना एक्ट के लिए कौन सा सवाल यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर टू रिटेन हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स एंड गिवन रिजर्व सीट टू द डिप्रेस्ड क्लास, मतलब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। जो आपका देखिए पूना एक्ट का समझौता था, ठीक है, उसमें आपके महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के साथ कहाँ पे हुआ था, ये यरवादा जेल में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन्होंने महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 में इसको मतलब कि प्रारंभ किया था। इसमें उनका उद्देश्य यही था कि जो दलित वर्ग है उसके लिए मतलब एक पृथक निर्वाचक मंडल मतलब मंडल का विरोध करना था, और जो हिंदू समाज है उसका विखंडन को रोकना था, राइट, तो उसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास अलॉन्ग विद द यूनिवर्सिटी ऑफ बंगाल एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता वेयर इस्टेब्लिश इन 1857 ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ विच रिपोर्ट। तो किस रिकमेंडेशन में था ये आपकी, देखिए वुड डिस्पैच, ठीक है, वुड डिस्पैच में था। तो इंग्लैंड की जो आपकी क्या कह रहे हैं, इंग्लैंड की जो कोर्ट थी, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 1854 में, ठीक है, 1854 में वुड्स डिस्पैच ने में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के जो विश्वविद्यालय खोलने का एक प्रस्ताव रखा था, जिसके आधार पर 1857 में, ठीक है, 1857 में वैवधानिक अधिनियम द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास को विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर द फंडामेंटल राइट्स दैट रिमेन अनसस्पेंडेड इवन आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हमारा बी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 20 और 21 में प्रोटेक्शन है, किसका, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंस ऑन कन्विक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी, ठीक है, ये किस आर्टिकल में है, तो इसको ध्यान में रखना है 352 में, ठीक है, 352 में ये आर्टिकल है, राइट, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरोड एक्सटेंसिवली द वेरियस सोर्सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स हैज़ बोरोड मोस्ट ऑफ द प्रोविजन। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन सी है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे जो कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में जो विभिन्न सूत्र व्यापक रूप से मतलब कि इसका अनुकरण किया गया, लेकिन जो भारतीय संविधान में सबसे अधिक जो प्रभाव है वो किसका है, भारतीय अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है, राइट, तो इसको ध्यान में रखना है आपको, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। नेक्स्ट सवाल है, हु पेंटेड द भारत माता फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल वैल्यूज। तो ये किसने किया था, ये आपका देखिए अभिन्द्रनाथ टैगोर ने 1905 में किया था, 1905 में किया था ये भारत माता की पहली तस्वीर, इसको माना जाता है, राइट, मतलब ये चित्र जो भारत का नक्शा नहीं था, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद कह रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सवाल क्या कह रहे हैं कि हु क्रेडिट फेलुदा हु अ फिक्शनल बंगाली प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, सत्यजीत राय होंगे। देखिए 2 मई 2021 से लेकर 23 अप्रैल 1992 तक ये एक भारतीय फिल्म निर्देशक थे, और 20वीं शताब्दी में इनकी सर्वोत्तम फिल्म निर्देशक में गिना जाता था, राइट। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में जो देखिए निधन हुआ था किसका, यूसुफ एरकल का, ये क्या थे, ये आपके एक आपके पेंटर थे, ठीक है, इनका जो निधन है वो 2016 में हुआ था, ठीक है। कर्नाटक जो आपकी ललित कला एकेडमी है उसमें इनको अवार्ड मिला था 1979 में और 1981 में इनको मिला था अवार्ड, राइट। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, जो आपकी टापी है, ठीक है, टापी मतलब क्या, इज अ नेचुरल गैस पाइपलाइन बींग डेवलप्ड बाई एशियन डेवलपमेंट बैंक, वॉट डज इस स्टैंड फॉर। देखिए इसका मतलब टापी का फुल फॉर्म क्या होगा, TAPI, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म ये है टर्मेनिकस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो इसे एशियाई विकास बैंक द्वारा इसको सहायता मिली थी, यहाँ पे देखिए जो इस पाइपलाइन में
द्वारा 30 वर्षों तक हर एक दिन 90 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस ले, मतलब गैस ले जाने की क्षमता है इसमें, तो इसको ध्यान में रखना है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि व्हाट इज द वेस्टर्न एंकर ऑफ द हिमालयास अराउंड विच ऑफ द विच द रिवर इंडस बेंड्स टू फ्लो इनटू द प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान नोन एज। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं जो आपके हिमालय में वह पश्चिमी शरणस्थल जिसके इर्द गिर्द घूम कर सिंधु जो नदी है पाकिस्तान के मैदानों में प्रवाहित होती है, तो उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? उसको हम लोग जानते हैं नंगा पर्वत नाम से, ठीक है। तो नंगा पर्वत इसको ध्यान में रखिएगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, देखिए जो 1946 में आपका जो भारतीय सेना विद्रोह हुआ था HMIS, ठीक है, तलवार से प्रारंभ हुआ था, ये परीक्षण स्कूल कहाँ पे है स्थित है? तो ये आपका किस में स्थित है? ये आपका देखिए बॉम्बे जो है उसमें स्थित है। तो देखिए यहाँ पे सवाल का मतलब क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जो भारतीय नौसेना का विद्रोह जो था 1946 में, कब हुआ था? 1946 में होता था, भारतीय जो ब्रिटिश जहाज पर करने वाले जो कर्मचारी द्वारा किया गया था, ठीक है। 18 फरवरी को 1946 में HMIS तलवार नामक जहाज में कर्मचारी जो थे ब्रिटिश सरकार से, मतलब कि वो मतलब कि शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पे बहुत ही ख़राब खाना मिलता है, तो इस पे जो ब्रिटिश अधिकारी वो जवाब कह रहे थे कि भगवंगों को छूट मतलब चुनने की चॉइस करने की छूट नहीं हो सकती, तो ये मतलब कि, और ये परीक्षण स्कूल कहाँ पे? तो ये बम्बई में स्थित है, राइट। तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए जो आपके नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि आपका देखिए जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम जो विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ था, उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना करी थी आपकी सर सैयद अहमद खान ने करी थी, राइट। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है कि गल्फ ऑफ मनार है वो कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है, कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, यानी कि जो मनार की खाड़ी है वो भारत के दक्षिण पूर्व स्थित जो आपके हैं, ठीक है, उसमें मतलब की है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दीन ए इलाही अ रिलीजियस मूवमेंट प्रोपाउंडेड बाय हूम। तो यहाँ पे देखिए जो दीन ए इलाही है वो किसके द्वारा चलाया गया था? एक धार्मिक आंदोलन है ये, ठीक है। तो ये किसके द्वारा? ये अकबर के द्वारा चलाया गया था, ठीक है, 1982 में, सॉरी 1582 में चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, वॉट डज द सेक्शन 2124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड विच हैज़ बीन वाइडली डिस्कस इन द प्रेजेंट टाइम प्रिटेंस टू। देखिए सवाल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए जो आपकी भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 124A, ठीक है, जो हाल ही में व्यापक चर्चा के विषय रही थी, इसका संबंध किससे? तो इसका संबंध आपका राजद्रोह से है, राइट। यहाँ पे लिखा भी हुआ है जो आपकी भारतीय दंड संहिता है जो धारा 124 है उसका संबंध आपका राजद्रोह से है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आधार बिल है आपका 2016 को लोकसभा में कैसे प्रस्तुत किया गया था? तो वो उसको एक धन विधेयक बिल के रूप में प्रस्तुत किया गया था, यानी कि मनी बिल के रूप में प्रस्तुत किया गया था। जो आपकी NDA की सरकार थी उसने आधार बिल को 2016 में लोकसभा में एक धन विधेयक रूप में पारित किया था, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है, ड्यूरिंग द लाहौर सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929 वाज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट पर्टिकुलर डे इन 1930 एज द पूर्ण स्वराज डे इन इंडिपेंडेंट इंडिया, द कम डेट वॉज चूजन टू सेलिब्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे सवाल का देखिए मतलब क्या है, इस सवाल का मतलब ये कि 1929 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर सत्र में के दौरान किस दिन विशेष पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, ठीक है, और भारत को उसी तारीख को निम्न में से कैसे किस मनाने जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन जो बी है रिपब्लिक डे, ये करेक्ट आंसर है। देखिए जो हमारा भारत का संविधान है वो आपका 26 नवंबर 1949 को तैयार होकर बन करके तैयार हो गया था, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट जो आपका मौदा बांध है उस परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये आपके हमीरपुर जिले हैं उसमें स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैव हाइयर परसेंटेज पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग 2001 एंड 2011 उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे देखिए जो इसका ऑप्शन सी है, ठीक है, पेरिस, वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो देखिए आपका डोलोमाइट यहाँ पे के भंडार उत्तर प्रदेश में किस जिले में पाए जाते? तो ये आपका देखिए ऑप्शन जो सोनभद्र है उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, यूएस का करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे देखिए जो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना एक जो आपका ये होता है मतलब कार्बोनेट खनिज है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, जो केमिकल मतलब की फॉर्मूला है वो क्या है कि CaMgCaO3, ठीक है, 2
राइट, तो इसको ध्यान में रखना है आपका, ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और इसका करेक्ट आंसर क्या, सोनभद्र है। तो उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।